रामायण आपको बताती है कि जीवन में क्या करना है, महाभारत बताती है कि क्या नहीं करना है, और श्रीमद् भागवत गीता जीवन श्रेष्ठ तरीके से कैसे जीना है ये हमें निर्देशित करती है। जगत जननी मां की उपासना में समर्पित उनकी स्तुति तथा जो भी फिल्म में कहूं या लघु चित्र कहूं, जिस सीरियल का जिक्र एक छोटा सा स्वरूप आपने देखा है, मैं चौधरी साहब को, उस पूरी टीम को और श्राइन बोर्ड के सीईओ और हमारे श्राइन बोर्ड के सभी सहयोगियों को भी इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। अभी उनकी पुस्तक आपके सम्मुख है, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए पुस्तक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए उचित भी नहीं होगा। आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि इस पुस्तक को पढ़िए, और जैसा संचालक महोदय ने कहा कि हिंदी प्रेमियों के लिए भी थोड़ा मेहनत आप करिए, और द इनक्रेडिबल आकाशी स्टोरी बाई जेसी चौधरी, उनका जीवन स्वयं में प्रेरणादायक कहानी है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से 33 साल पहले उन्होंने मात्र 12 विद्यार्थियों के साथ आकाश इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, और आज शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम मैं कह सकता हूं, और सेवा के साथ भी राष्ट्रीय विकास में वो आज अपना योगदान दे रहे हैं। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि एक जागृत व्यक्ति की तरह चौधरी साहब ने समाज तथा राष्ट्र के प्रति न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि उच्च जीवन के मूल्यों के अभिभावक बनकर उन्होंने उन मूल्यों को अपने छात्रों में भी संचारित किया। आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं सभी अध्यापकों गुरुजनों का भी आह्वान करना चाहूंगा कि हर छात्र के मन में सही मूल्य, शक्तिशाली चरित्र तथा राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया जाए। आई सिंसियर एंड हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन। The entire team of Mata Vaishno Devi Shrine Board, led by our Chief Executive Mr. Ramesh Kumar Ji, the entire team of Sagar World, who has done a fantastic job in coming up with this exceptional end product, and all-time favorite and my inspiration Mr. J.C. Chaudhary, who has led from the front and had a great vision in coming up with this entire project, and all the senior government officials, dignitaries sitting in the auditorium. One important thing which I wanted to present in front of you, a chota sa connection mere birth ka aur mere pitaji ka ek vishwas, atut vishwas maa Vaishno Devi mein. 1977 mein jab inhone bataya, first time ye yahan par aaye the mandir mein ek bacche ki kamna karne ke liye, aur agle hi saal mera janm hua 1978 mein, aur किसी कारणवश मैं जब पैदा हुआ तो मेरे को फुट डिफॉर्मिटी थी, जिसको आजकल के टाइम में मेडिकल टर्म हम क्लब फुट कहते हैं, और ऐसी चीज़ उन्होंने कभी लाइफ में देखी नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी हताश थे, और वो वापस माँ वैष्णो देवी मंदिर आए, उन्होंने प्रार्थना करी, तहे दिल से करी कि जिस दिन से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं हर साल यहाँ पर आऊँगा, अब थैंक्स करूँगा माँ वैष्णो देवी को, और जब भी मेरे में सामर्थ्य होगा मैं एक भव्य मंदिर इनके नाम से बनवाऊंगा। तो आज 44 साल हो गए हैं, इस हर साल नवंबर में जैसे उन्होंने बताया वो यहाँ आते हैं धन्यवाद करने के लिए कि वो हमेशा हर कठिन घड़ी में उनके साथ रहे हैं, और हर एक फेलियर के टाइम में भी उन्होंने उनको भारों से निकाला है। और दूसरी चीज, जहाँ हमने हॉस्पिटल बनाया है दिल्ली में, वहां पर भी माँ वैष्णो देवी विराजमान है बिल्कुल सेंटर पे, और मुझे लगता है कि पिछले 3 साल जो हमने कोविड महामारी को वहां झेला है, 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को हमने वहां पर ट्रीट किया और सक्सेसफुली इस बीमारी से बचाया और घर वापस भेजा। तो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन, एंड स्पेशल थैंक्स एट द एंड टू आर चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन आउट ऑफ हिज प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। 6 महीने में यानी अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 79,15,536 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे, यानी मोटे तौर पर
180 दिन में 80 लाख के करीब सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। व्यक्ति में बदलाव के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन में वैदिक जीवन पद्धति की तरफ चलने का हम सबका आग्रह रहता है। पिछले अनेक वर्षों से विकसित राष्ट्र भी खुले मन से इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी धरोहर चिंतन की सर्वोत्तम निधियों को इसी से मान्यता मिलती है। मैंने वैदिक जीवन पद्धति का उल्लेख जानबूझ करके किया और इसलिए किया क्योंकि यह समझना जरूरी है कि महाभारत काल से यानी जब से मां की शक्ति और करुणा का लिखित विवरण मिलता है तब से साधना को मन मस्तिष्क की एकाग्रता समाज के विकास के लिए आंतरिक अनुशासन के माध्यम के रूप में ही अपनाया जाता रहा है और इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा इस बात पर बल देते थे कि यथार्थ में सभी व्रतों के समन्वित उद्देश्य को पूरा करने के लिए विचारों का वचन का संयम होना बड़ा आवश्यक है। इस सारे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं आने वाले कल की जो संरचना हमारे सामने है आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और जिस प्रकार से आपने पुरातन को नवीनतम से जोड़ा है वो बहुत ही अत्यंत सुंदर शब्दों में आपने प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग एक माध्यम है, माता ने हमें चुना है और वो हमारा बहुत सौभाग्य है कि माता ने चुना और हम लोग पापा जी की मिशन जो है वो आगे ले जाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। जय माता दी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कृपया वो मंच पर आए और महामहिम जी का शॉल पहन करके उनका स्वागत करें।